फॉर द लास्ट 3 इयर्स उन्होंने काफी अग्रेशन काफी एक्शन 16 अक्टूबर दिखाया। नरवाने की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंचे बिरबल नगर स्थित ग्रीन वैली में। आपको बता दें कि जहां बिजली की समस्या को लेकर अनेक प्रकार की सोलर कंपनियां मार्केट में आई हुई है, उसी प्रकार आज एक अंडानी ग्रुप है जो एक माना ग्रुप है और इसको लेकर सोलर जो पैनल है वो आए, उसका एक प्रोग्राम आज यहाँ पर निर्धारित किया गया है ग्रीन वैली नरवाने के अंदर एक कार्यक्रम। और यहाँ पर अंडानी ग्रुप के जो मैनेजर है वो यहाँ पर पहुँचे हुए और सोलर सिस्टम को लेकर जो यहाँ पर स्कीम है उसके बारे में बताएंगे। बाहर के हरियाणा और पंजाब के भी यहाँ पर डीलर आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे उनका क्या कहना है। सबसे पहले हमारे साथ अंडानी जो सोलर पैनल उनके यहाँ पर मैनेजर हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नरवाने की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर जो आपका अंडानी ग्रुप है उसको सोलर सिस्टम में आने के लिए क्या उसमें क्यों आया है उसके बारे में? इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आ गया, मतलब बिकमिंग हाईली अफोर्डेबल। तो कोई भी घर वाले को अभी सोलर पैनल लगाना इतना बड़ा कोई लग्जूरियस काम नहीं। गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है, पैनल का भी रेट कम हो गया। मान लीजिए 100 रुपया था 6 साल पहले एक प्लान का दाम, आज उसको आते 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 15 रुपये के अंदर आ गया, मतलब इतना कम में अब करना है। दूसरा चीज़, एक सोलर पावर प्लान का लाइफ है 25 साल। अब एक सोलर पावर प्लान डालेगा नहीं तो अपना फैक्ट्री में डालेगा, नहीं तो अपना कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डालेगा, 25 साल तक चलता रहेगा उसको। तो आपको फ्री में बिजली मिल रहा है, आपको मतलब जितना भी फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर का जो भी टैरिफ में डिफरेंस है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? हर कोई तो सोलर पैनल लगा नहीं रहा, तो मार्केट रिस्पॉन्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हम लोग का अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी भी काफ़ी सारा अच्छा रहा, अभी जैसे हम लोग का हर स्टेट में एक एक पार्टी का हम लोग अपॉइंट करते करते आ रहा। अभी मित्तल रेड्डी हमारे साथ जुड़ने वाला है, तो हम लोग करीब 20-25 चैनल पार्टनर हम लोग ऑल इंडिया में अपॉइंट कर दिया है। अभी मित्तल अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ने वाला है, तो हम लोग का अभी प्रेजेंस भी काफ़ी सारा बढ़ेगा। अभी कस्टमर को अवेयरनेस बढ़ाने के हम लोग प्रोग्राम भी रखा है, तो ये जैसा मौका कस्टमर को मालूम पड़ेगा कि ये सोलर प्लांट लगाने में कितना दाम लगता है, उसमें क्या फ़ायदा है, वो सब हम लोग ये इवेंट में बता देगा। तो अवेयरनेस को लेकर आज जो कार्यक्रम है इसमें कहाँ कहाँ से डिल रहे हुए ये शायद इन्होंने बता सकता है। आई एम मित्तल ट्रेडिंग कंपनी फॉर आर्यन मित्तल। मुझे बड़ी खुशी और आज गर्व हो रहा है जो मैं अडानी सोलर का एक पार्टनर बनने जा रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं सारे हरियाणा पंजाब और दिल्ली से भी आए हुए हैं, और अडानी सोलर एक ऐसा विश्वसनीय नाम है जो मतलब ईजिली एसेसेबल फॉर कस्टमर, हर कस्टमर को आपको ईजिली मिल जाता है पैनल्स प्रोवाइड, जिसमें हमें इससे गवर्नमेंट में सब्सिडी में भी जी मिलता है। एक ऐसा ब्रांडेड इंडियन सेल, दिस इज ए डोमेस्टिक सेल, सिर्फ इट इज ए अडानी सोलर। और आने वाले टाइम में फ्यूचर जो अडानी सोलर ने सोच के चला है उनकी गीगावाट कैपेसिटी 2.24 मेगावाट इंक्रीज हो गई है, तो इट्स ए बेटर चांस फॉर मुझे अडानी सोलर ज्वाइन करने का, इट्स ए मेरे लिए गुड एंड अडानी सोलर। सर एक सवाल और आपसे, जिस प्रकार अंबानी ने जियो उतारा था घर घर तक पहुंचाया था, तो आपके भी कोई इस प्रकार की मंशा है? हम लोग तो एक काम हम लोग 5-6-3 साल से चालू हो चुके हैं हम लोग का। ठीक है, कंपटीशन आएगा, हमको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना जो अपना स्टाइल है, अपन लोगों का प्रोडक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना पैनल रेडी, अपना पार्टनर्स में रेडी है, तो उसमें देखिए जितना भी कंपटीशन आएगा उतना अच्छा है कस्टमर के लिए भी। सो दैट्स ओके, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, वी टेक इट ऑन अ राइट स्पिरिट ओनली। देखिए सर, आपने बोल दिया आपको 40% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे रहा है डायरेक्ट। मान लीजिए आपको 100 रुपये का आइटम, मतलब 100 रुपये पावर प्लांट, आपको 60 रुपये देने का पूरा 40% आपको डिस्काउंट देके गवर्नमेंट ने आपको दे देता है। तो मतलब आपको ऑलमोस्ट मान लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट में आपको ये सोलर पावर प्लान मिल ही रहा है। उसके बाद आप जो भी प्लान लगा देगा मतलब आपको 2.5 या 3 साल में जो भी आपका जो पैसा वसूल हो जाएगा, तो मान लीजिए 22-23 साल तक आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो आपको तो अभी इलेक्ट्रिसिटी में आपको जितना भी उधार चढ़ावा आएगा पावर बिल में कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही है क्या कहना चाहिए हमारे कस्टमरों को, जैसे बिजली समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, बिजली को गाँव में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और बिजली के जो रेट है वो भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए बिजली का हम लोग का बनाने का सोर्स जो है अभी थर्मल, मतलब फॉसिल फ्यूल्स था, मतलब अभी जैसा विंड आ रहा है, सोलर आ रहा है, जितना भी हम लोग का मिलने जो रूफ, जितना भी रूफ खाली पड़ा है वहाँ पे सोलर प्लान लगेगा, उसमें सोलर पावर हो जाएगा। तब जैसा हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स जो है
थर्मल से लेके हम लोग रिन्यूएबल पावर में एक्स्ट्रा बना के हम लोग का जो बिजली में जितना भी कमियां कभी कहीं भी लग रहा है, अब मान लीजिए आपको अपना सोलर पावर प्लान अपना घर पे ही लगा सकता है। सो यू आपका यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ सोलर पावर, यू बिकमिंग अ पावर हाउस इन योर हाउस। तो मतलब आपको बाहर वाले को डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, ये फ़ायदा। यानी आपका लक्ष्य कि हर घर बिजली होनी चाहिए? हर घर में बिजली होगा ही, क्योंकि आपका घर में अगर छत हो वो आप ही सोलर पावर प्लान लगा सकते हो, तो आपको बाहर वाले को डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। कोई बात जैसे आपके सोलर पैनल ले आए, मार्केट में आ चुका है प्रोडक्ट, क्या कोई और स्पेशल सोसाइटी के लिए, कोई कंपनी के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना था जिसके लिए कोई स्पेशल स्कीम होती? देखिए, बड़ा सब सेगमेंट के लिए स्कीम है, ठीक है। गवर्नमेंट का सबसे मतलब खासियत क्या है कि गवर्नमेंट ने सोलर पावर को, सोलर एनर्जी को काफ़ी सारे प्रमोट कर रहा है। तो उसमें हम लोग अभी क्या, पहले क्या होता था, चाइनीज से पैनल आ रहा था, अभी वो भी आगे कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोले आत्मनिर्भर भारत, तो जो भी इंडिया में जो पैनल बनेगा उसमें उसका उसको लेके आपने अगर सोलर पावर प्लान लगा दिया उसमें आपको सीधा 40% आपको ये मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। तो इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ये स्कीम लेके आ रहा है, और एक BCD करके एक चीज़ आ रहा है, बेसिक कस्टम ड्यूटी करके, जो बाहर से जो भी प्रोडक्ट आएगा चाइना वगैरह से जो भी आ रहा था उसको भी थोड़ा सा अभी आगे से इंडिया में मटेरियल भेजने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, तो इंडिया का प्रोडक्ट का पूरा प्रमोशन होगा। अब अपना कंपटीटर किसको मानते हो? देखिए, मेरे लिए कंपटीशन मतलब सी फॉर एनी कंपटीशन इज़ गुड फॉर मी, मेरा कोई ऐसा ही नहीं कि ये कंपटीशन वो कंपटीशन, मेरे लिए मेरा प्रोडक्ट है, आई एम गिविंग द बेस्ट प्रोडक्ट। उसमें लिए जो भी खासियत है कि मेरा मित्तल जैसा पार्टी भी खड़ा है तो सर्विस भी अच्छा मिलेगा, तो कोई भी कॉम्पिटिशन है हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन, ठीक है, हमारे लिए कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद आपका। हमारे साथ अरुण मित्तल जी हैं, इनसे बात करें। हाँ जी सर, अडानी ग्रुप के साथ जुड़ने के साथ आपको कैसा महसूस? मेरे को बहुत बड़ी खुशी हो रही है अडानी के साथ, क्योंकि जो मेरा नाम अडानी के साथ हुआ है, मतलब मेरे को पूछने लगे हैं लोग कि मतलब मार्केट में अडानी सोलर, क्योंकि इससे फॉर गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए सबसे वैलिड अडानी सोलर है, क्योंकि कस्टमर के लिए इजीली अवेलेबल है, सर्विस इज गुड, सर्विस के लिए और पैनल की एफिशिएंसी जो करंटली आ रही है आजकल इलेक्ट्रिसिटी में, इट्स ए गुड। दर्शक है, अरे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अडानी सोलर को प्रेफर करो, क्योंकि अडानी सोलर एक ऐसा ब्रांड है जिसकी क्रिस्टलाइन एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, और आपको गवर्नमेंट के लिए भी फायदा अडानी सोलर के प्रोडक्ट्स में ही फायदा मिलेगा, सेगमेंट्स जो भी रहेंगे। हमारे अच्छा, सर और भी अडानी ग्रुप से और भी सदस्य हमसे बात करेंगे। अभी मौजूद है अरविंद सहमाल, अरविंद हम लोग का नॉर्दर्न रीजन का हेड है, ये भाई साहब पूरा अपना ये रीजन संभाल रहा है पूरा, इनका नाम है चंचल। तो हमारा इतना बढ़िया टीम है, तो आपका जो भी सर्विस रिलेटेड काम के लिए लोग, इसलिए मैं बोल रहा है कि हम लोग का जितना भी कॉम्पिटिशन है हमारा पूरा टीम पूरा मजबूत है। तो अरविंद जी भी बताएगा क्या क्या हम लोग पूरी टीम में मैदान में उतर चुके और फतेह करके लौट रहे हैं। बिल्कुल। जी क्या कहना है आपका, जो अडानी ग्रुप है सोलर पैनल में आया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी हमने 2 GW का नया प्लांट लॉन्च किया है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बढ़िया एफिशिएंसी के मॉड्यूल हम बना रहे हैं, ठीक है, और दिसंबर से हम मार्केट में देना चालू कर देंगे। अभी तक इंडिया में ये कोई भी नहीं दे रहा है, अब जब हम मार्केट में देंगे तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये बढ़िया जनरेशन करके देते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है ये, जिसकी वजह से लोगों का जगह भी कम यूज़ होती है, कम जगह पर ज़्यादा जनरेशन होता है, अल्टीमेटली कॉमन मैन को ही होने वाला है। उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको बिजली एक टाइम के बाद फ्री में ही मिलेगी, आम घरों के लिए अगर बात की जाए तो बिजली फ्री करने का लक्ष्य है, हमारा बिजली फ्री करने का लक्ष्य है कॉमन मैन के लिए, आम जनता के लिए। अगर वो लगाते हैं 2 KW या 4 KW का, तो 2 या 3 साल में तो फ्री इसकी कीमत वसूल ली जाती है, उसके बाद तो जितनी भी बिजली आती है आपके लिए फ्री ही एक तरह से। हाँ जी, आज किस प्रकार जागरूक हो रहे हैं आज का प्रोग्राम में आप? इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, जो एक पॉजिटिव नोट के साथ हम देखते हैं हरियाणा की जनता के लिए, ना सिर्फ देश की जनता के लिए, ये है मेक इन इंडिया स्कीम के तहत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हमारा जो मोटो है कि सारी चीज़ जो मॉड्यूल जो अभी हम बाहर से इंपोर्ट करके या लेके आ रहे थे, तो अब हम मेक इन इंडिया के तहत उसको आगे लेकर के जाना, और ज़्यादा वाटपिक का मॉड्यूल जो है, मतलब ये मतलब फर्स्ट जो है हमारे अडानी की तरफ से ये रहेगा जी। और कोई संदेश आपका हमारे दर्शकों को? काफ़ी सारे बोल दिए ना, ये लोग अपना देखभाल करेंगे, तो मेक इन इंडिया का नारा दिया जो आपने, वो कहाँ तक सक्सेस हो सकता है? मेक इन इंडिया में काफ़ी सारे सपोर्ट गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, जैसे आपको मैं बोल रहा था कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बढ़िया सपोर्ट है इस चीज़ के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई नई स्कीम्स लेके आ रही है जिसके तहत हिंदुस्तान के अंदर 45 गीगावाट की नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जिसमें अदानी भी एक है। खाली अदानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, जिसका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आने वाले समय में चाइना से इम्पोर्ट लगभग बंद हो जाएगा, बस सारा का सारा जो मॉड्यूल होगा यूज़ हिंदुस्तान का अपना होगा। ये हमारे साथ हरियाणा ग्रुप के जो अधिकारी थे जो सोलर पैनल को लॉन्च कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर, और लगातार जो सोलर पैनल पर स्कीम है उसको लेकर भी इन्होंने पूरी जानकारी दी है। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो सोलर पैनल स्कीम आम जन तक पहुँच सके। धन्यवाद। थैंक यू।